गेलिए तब अयलै बच्चा दोनों फोनते अयलै तब कहलकै रातो पुछलिए दिनो पुछलिए तऽ नहि बतेलकै सोचलकै मम्मी पापा मारतै हमरा। हमको जानकारी हुआ सोमवार गए प्रिंसिपल साहब से बात किए, उन्होंने बताया कि दो दिन के बाद जो है आइए हम उन लोगों को पकड़ के हम अपने से वहाँ पर मारेंगे पीटेंगे जो करेंगे आप लोग के सामने करेंगे। पुलिस का व्यवहार कैसा लग रहा है आप लोगों को? पुलिस का व्यवहार तो उतना कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अभी तक तो नहीं मिल पा रहा है सही तरीके से। तो क्या मांग करते हैं? बस न्याय मिल जाए और क्या चाहिए। पुलिस उसके साथ जो सफाई कर्मी के द्वारा जो है दुष्कर्म का मामला सामने आया है, आदमी जो इसने घिनौना काम किया है उसका तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी हो और इस पर जो है उच्च से उच्च जांच होने की मांग की गई है। शनिवार घटना है और इसमें जो है ना जो टीचर यहाँ के थे वो भी संलिप्त हैं। उसके बाद कानूनी कार्रवाई नहीं हुई लेकिन आज हुई, उसके बाद भी अभी भी इन लोग का मांग है कि कम से कम जो जो उसमें संलिप्त मास्टर थे उन से जो है संदेह टीचर और जो गुरु है उन पर जाता है तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ऐसी घटना जो समाज में नहीं होनी चाहिए इसका निंदा हम करते हैं। हुआ था घटना 1:30 बजे शनिचर के 1:30 बजे हुआ था। बच्चा इन्हें बोले थे मम्मी पापा के अथी स्कूल से आए थे मैडम बच्चा के लेके बच्ची आए थे बड़की और आप पूछे थे कि वो दोनों कहाँ है तो कहके स्कूल में मैडम बुलाए थे आता जा को कहके कि से हमें गेलिए ने तो कहके के लिए आवे छ तो कहके नहीं। हां हां तब गेलिए तब अयले बच्चा दोनों फोनते अयले तब कहके रातो पुछलिए दिनो पुछलिए तो नहीं बतेलकै सोचलके मम्मी पापा मारते हमरा। आ डोमा की कलके नहीं गेले टॉयलेट करा आ टॉयलेट करा लेले उसके बारे लगा लेलके आ तब सब बच्चा कहलके तब हमें जान ली हल गम गलत किया था यहाँ पूछे थे तो नहीं बताए सोचे मम्मी पापा मारते आ तब जाके बोलले हन तब भी होने के दो दिन बंदे रहले स्कूल एतवार बंद रहले सोमवार गेलिए फिर के सर कहे कि से फिर बृहस्पति कहना है कहता है कि 30 तारीख को ना आज हम करते रहे आज छोड़ेगी ना। विद्यालय में ये सब बच्चा कौन हुआ आ तक हमारा पति को मारना है और जात को मार लके है ना। बच्ची के साथ स्कूल में क्या हुआ? इतना सर हुआ कि हम लोग स्कूल में तो नहीं थे, जब हम लोग को पता लगा संडे को कि ऐसे ऐसे किया है गलत व्यवहार सुपर लोग तो हमको जानकारी हुआ सोमवार गए प्रिंसिपल साहब से बात किए, उन्होंने बताया कि दो दिन के बाद जो है आइए हम उन लोगों को पकड़ के हम अपने से वहाँ पर मारेंगे पीटेंगे जो करेंगे आप लोग के सामने करेंगे। उसके बाद दो दिन बाद गए तो फिर आज प्रिंसिपल साहब बोले 30 तारीख को आना है उन्हें पकड़ाया ऐसे वैसे बहुत बहाना बनाने लगे तो सभी समाज मिल के जाके जो भी ग्रामीण लोग थे बोले कि रोड जाम कर लो। हम लोग किसी को ये नहीं बोले कि रोड जाम करना है या क्या करना है नहीं करना है लेकिन सभी ग्रामीण लोग जैसे किए उसके हिसाब से हम लोग चलते गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद थाना पर ले गए थे थाना पर भी चार्जशीट देने में दिक्कत हुआ। एफ आई आर कॉपी आपका क्या कहना है कि आप लोगों को न्याय सही तरीके से मिल पा रहा है? अभी तक तो नहीं मिल पा रहा है सही तरीके से। तो क्या मांग करते हैं? बस न्याय मिल जाए और क्या चाहिए। पुलिस का व्यवहार कैसा लग रहा है आप लोगों को? पुलिस का व्यवहार तो उतना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सुनते हैं गिरफ्तारी हुई है आप लोगों को जानकारी है क्या? गिरफ्तारी तो हम अपनी आँख से नहीं देखे हैं। हाँ उसके बाद अब हुई है कि नहीं हुई है पता नहीं हमको। मारपीट की घटना किसके साथ हुई है? मारपीट की घटना हुई है हमारे भाई हैं और मेरे चाचा जी हैं और मेरे छोटे छोटे दो भाई थे उनके पीड़िता साथ। के पिता के साथ मारपीट भी हुई है? हाँ हुई है। पीड़िता कौन किए है मारपीट? यही ग्रामीण लोग जो उसमें राजकुमार जी हैं उनके वाइफ पराती है उनके लिए मारपीट किए थे लोग। ठीक है देखिए जितना हम लोग को जो पता चला है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ जो स्कूल में पढ़ती थी
उसके साथ जो सफाई कर्मी के द्वारा जो है दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसके वजह से जो है जन जन में आक्रोश की भावना पैदा हो गई है और लोग जो है रोड पर उतर आए हैं कि उनकी ये मांग है कि जो आदमी जो इसने घिनौना काम किया है उसका तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी हो और इस पर जो है उच्च से उच्च जांच होने की मांग की गई है। कब की यह घटना है? ये आपको दिन की घटना बताई जा रही है, शनिवार की घटना है। और इसमें जो है ना जो टीचर यहाँ के थे वो भी संलिप्त हैं, वो मतलब इस जो शनिवार की घटना थी उसको बच्चा को चॉकलेट जो भी दे कुछ लाभुक दे के और उसको कहा कि इस सब बात घर में नहीं बताना, जब उसके साथ कष्ट मम्मी या किसी को नहीं कहना, जब उसके बाद कष्ट अधिक हुआ तो वो बच्चा परसों ही मतलब घर में कहा, तो परसों थाना में कहा गया तो कहा कि हमको दो घंटा का मतलब दो दिन का समय दीजिए और हम सबको पकड़ते हैं। उसके बावजूद भी आज जब ये हुआ पकड़, उसके बाद कानूनी कार्रवाई नहीं हुई लेकिन आज हुई, उसके बाद भी अभी भी इन लोग का मांग है कि कम से कम जो जो उसमें संलिप्त मास्टर थे उन सभी मास्टर को भी यहाँ क्या कहते हैं बर्खास्त किया जाए, उसको सस्पेंड किया जाए। अभी आप लोग कब तक जाम लगा के रखे? कब तक वाली जाम की बात नहीं है, यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष कोई इसको जाम में समर्थन में नहीं है, ये पूरे जो लोग हैं जो यहाँ अगल बगल पड़ोस के जो लोग हैं वो लोग रोड पर अपनी मांग को लेके हैं कि ये जो इसमें जो हुई है इस पर जो जांच जो है एकदम ट्रांसपेरेंसी से हो जाए, आप फास्ट होना चाहिए। कौन सी क्लास में तो देखिए हम लोग तो शिक्षा को मंदिर मानते हैं और मंदिर में ही इस तरह का मामला हो तो जाहिर सी बात है कि एक जो है संदेह टीचर और जो गुरु है उन पर जाता है तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ऐसी घटना जो समाज में नहीं होनी चाहिए इसका निंदा हम करते हैं और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जो इस पर जो है अपना सख्त कदम उठाए और जो दोषी है उनको जो है बख्शा नहीं जाए। कौन सी क्लास में पढ़ती है? दूसरा में बच्चा पढ़ता है, 7 साल की बच्ची थी क्लास 2 में। जो दुष्कर्म किया वो कौन, उसका प्रयास किया या फिर नहीं? दुष्कर्म किया हाँ, वो कौन? वो सफाई कर्मी था, स्कूल में सफाई करने के लिए आया, वो परमानेंट भी नहीं था, इसे आता था सफाई करने। लेकिन जब हम ये कहना चाहते हैं जब वो पता चला मास्टर को तो मास्टर ऐसे भी बच्चा का जो पैर टूट जाए या फूट जाए किसी चीज़ होता है तो उसको स्कूल को स्कूल से घर उसको छोड़ा जाता है, लेकिन इस बच्चा को तो मास्टर लोग मिलकर चाह के इस बात को दबा दें, कुछ रुपया दिया भी। कुछ जो भी रुपया दे, लेकिन वो रुपया देने के बाद बच्चा सोचा जो बच्चा को अधिक कष्ट हुआ अंदर से, आज पानी भी वो बच्चा को चढ़ा है, तो जब बच्चा को कष्ट हुआ तब वो अपने परिजन को बोला, परिजन थाना पे गया, 2 दिन पहले ही गया लेकिन अभी तक जब कार्रवाई नहीं हुआ तब ये अभी ये घटना तुरंत हम लोगों के सामने आई है। 27 तारीख की ये घटना बताई जा रही है, इस संबंध में पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। आज जब सड़क जाम किया गया है तो स्कूल के प्रधानाध्यापक के द्वारा थानाध्यक्ष को फ़ोन किया गया कि 27 तारीख को इस तरह की घटना घटी थी, जिस संदर्भ में ये पब्लिक के द्वारा इस तरह से किया गया, मामला संज्ञान में आया है, इस पर प्राथमिकी दर्ज करके जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी।